सेवेंथ क्लास बेटे मैथ में हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले सम कर रहे थे, ठीक है। उसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वाले सम निकाल के बताने हैं, कैसे करेंगे वो। जैसे हमें वैल्यू दी हुई है 108 मल्टीप्लाई 192, तो इसको कैसे हम इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो 108 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ऐसे करके सिंबल्स बना सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको ये सम करवाए हुए हैं, फिर से बता देती हूँ। लास्ट वाला हमने नंबर देख लेना है कि ये सबसे पहले 2 के टेबल से, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके देखना। हमने 8 2 के टेबल में आता तो 2 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो ये नंबर यहाँ पे दोनों हम इकट्ठे उठा लेंगे, 10 जो है 2 के टेबल में आ जाता है, तो 5 2 10 और 4 2 8, ठीक है। अब फिर से हमने देख लेना, लास्ट नंबर 2 के टेबल में आ जाता है, 2 से स्टार्ट कर देंगे। 5 2 के टेबल में नहीं होता, तो 5 से कम क्या होता है, 4, तो 2 2 4। अभी जो 1 बच गया वो नेक्स्ट वाले के साथ हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया हमारा, 1 4 14, ठीक है। 14 आता है 2 के टेबल में, 7 2 14। अभी हमने आगे देखना है कि लास्ट वाला नंबर 7 है, 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 3 से करके देख लेना। 3 से हम दोनों इकट्ठे उठाएंगे तो 27 हमें पता है कि 3 के टेबल में होता है। तभी आपको बेटा बोलते हैं कि टेबल्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ये सम आप टेबल आएंगे तो आप ये सम निकाल सकते हो, ठीक है। अब 27 3 के टेबल में आता है, 9 3 27, तो 9 तो हमें पता ही है 3 के टेबल में आता है, 3 3 9, ठीक है। तो अभी आपके सामने 108 के फैक्टर्स कितने बन गए हमारे पास, कितनी बार 2 आ रहा है यहाँ पे, 2 के यहाँ पे पावर लिख देंगे, 2 बार 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 आ रहे ना यहाँ पे, 2 और 3 के टेबल से हमने किया, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 तो 3, कितनी बार यहाँ पे काउंट किया हमने, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार 2 और 3 बार 3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 192 के भी फैक्टर्स हम सेम ऐसे निकाल लेंगे, लास्ट का नंबर 2 है तो ये भी हम 2 से करके देखेंगे, ठीक है। अब 1 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो ये दोनों इकट्ठे हमने कर लिया, तो 18 कर देंगे हम, 19 तो होता नहीं है, तो 19 से कम क्या होता है, 18, 9 2 18, जो 1 बचा हमने 2 के साथ लगा दिया, तो वो क्या बन गया, 12, है ना। यहाँ पे छोटा सा करके लिख सकते हो आप, 12 हो गया, तो 6 2 कितने होते हैं, 12। अब 6 आता है 2 के टेबल में, 9 नहीं आता, तो 9 से कम क्या आता है, 4 2 8, जो 1 बचा 6 को दे दिया, क्या बन गया, 16, 8 2 16, ठीक है। नेक्स्ट फिर 8 आ जाता है 2 के टेबल में, तो आगे फिर से हम करेंगे, 2 2 4 और 4 2 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 2, तो 2 2 4, 12 तो हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं, 6 2 12, 6 भी आते हैं, 2 3 6, ठीक है। आगे 3 1 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 192 के फैक्टर्स में कितनी बार 2 आया हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, और 3 एक बार ही आया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी कोई पावर ना, उसकी हमने पहले भी बताया था, उसकी पावर 1 ही होती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये इसके बन गए फैक्टर्स। अब आगे इसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करना है, ठीक है। आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसके ये वाली पावर, ये वाला ने सोल्व हुआ था, इसका ये वाला है ना, तो हम ऐसे इकट्ठे यहाँ पे लिख लेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 192 का क्या आया था, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये आया था हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है आगे हमने। अब क्या करेंगे हम, 2 वाले हमने अलग से निकाल लेने बाहर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 हमने इधर अलग से कर लिया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 3 की पावर 3 और सिंगल 3, यही बचा ना हमारे पास। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 अगर मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो पावर्स से कॉमन हो गया ना, 2 बाहर निकालिए तो पावर्स को मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को क्या करते हैं आपस में, प्लस, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई कॉमन 3 निकाल लिया, 3 प्लस 1 पावर कोई नहीं है, 1 मानेंगे तो 3 प्लस 1 हो गया, तो 2 की पावर 6 और 2 कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाई 3 और 1 कितने हो गए,
4। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद ऐसे करके हमने इसको ये सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको सॉल्व करना है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में। थैंक यू बेटा।